हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव अश्विनी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी का रीयूज करके हम बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो साड़ी यूज़ की है उसका जो पल्लू वाला पोर्शन है वो फुल प्रिंटेड है। इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी करी है पूरी पल्लू के ऊपर, और जो अंदर वाला पोर्शन है इसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस हैं। तो हम लोग पल्लू का यूज़ करके हम लोग पेपलम टॉप बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो मेज़रमेंट है पहले लाइनिंग पे मार्क कर ले रही हूँ, और फिर हम लोग मेन फैब्रिक कट करेंगे। जो ये लेंथ है बॉडी पार्ट की वो मैं यहाँ पे 12 इंचेस मार्क कर रही हूँ, और 1 इंचेस मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने 13 इंचेस पे मार्क कर लिया है। 7 इंचेस हम लोग शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे, और 6 इंच आर्म होल के लिए। अब मैंने यहाँ पे 6 इंचेस मार्क कर लिया है। नेकलाइन के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क कर लिया है, और जो बैक नेक है उसके लिए 2 इंचेस पे मार्क किया है, और फ्रंट नेक के लिए 4 इंचेस पे मार्क कर लिया है। नेकलाइन में यहाँ पे सर्कल शेप में ही रखने वाली हूँ, इसलिए नेकलाइन के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइटली कर्व दे दिया है। आर्म होल के लिए फर्स्ट वाला मार्किंग 1 इंचेस पे और सेकेंड वाला मार्किंग 1.5 इंचेस के लिए ले लेना है, और यहाँ पे हमें स्लाइटली कर्व दे देना है। यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन का 4th पार्ट ले लेना है। मैंने यहाँ पे 9 इंचेस लिया है, और वेस्ट लाइन का 4th पार्ट यहाँ पे मैंने 8 इंचेस ले लिया है। और 1.5 इंचेस हमें सिम अलाउंस के लिए छोड़ देना है। अब ये मार्किंग करके हमें क्लोथ को कट कर लेना है। ये बैक साइड का क्लोथ कट करने के बाद में हमें फ्रंट साइड का क्लोथ कट कर लेना है। ये दोनों पार्ट कट हो जाने के बाद में जो यहाँ पे पल्लू वाला पोर्शन है मैंने उसके ऊपर लाइनिंग यहाँ पे प्रॉपरली रख ली है, और इसी मेजरमेंट से मैंने वो भी क्लोथ को कट कर लिया है। ये प्रॉपरली कट करके मैंने इसे प्रॉपरली पिनअप कर लिया है। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक हमें स्टिच करके अटैच कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लाइनिंग के साथ में मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब जो शोल्डर लाइन है हमें शोल्डर यहाँ से स्टिच कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉपरली शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब नेक लाइन और आर्म होल को हमें प्रॉपरली हेम कर लेना है। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट देने हैं। हम नॉचेस इसीलिए देते हैं ताकि ये फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसे फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। ये यहाँ पे नेकलाइन और आर्म होल मेरी फिनिश हो गई है। मैंने इसे प्रॉपरली स्टिच कर लिया है। अब जो नीचे का फ्लेयर है उसके लिए मैंने जो क्लोथ है उसकी लेंथ यहाँ पे 15 इंचेस ली है, और जो इसकी विड्थ है वो मैं यहाँ पे 35 इंचेस ले रही हूँ।
आपको गैदर ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए, आप उस हिसाब से अपने फ्लेयर के हिसाब से क्लोथ का मेजरमेंट जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। और इस क्लोथ को प्रॉपरली गैदर कर लेना है। और सिंपल स्टिचिंग मशीन से हम लोग गैदर कैसे दे सकते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि गैदर कैसे कर सकते हैं। अब ये जो गैदर वाला फैब्रिक है वो बॉडी पार्ट से हमें अटैच कर लेना है, इसे यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अब बॉडी पार्ट के ऊपर इसे यहाँ पे गैदर फैब्रिक रख के हमें प्रॉपरली स्टिच कर लेना है। मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड में ये गैदर का फैब्रिक स्टिच कर लिया है। अब हमें ये आर्म होल से वेस्ट लाइन तक का जो बचा हुआ पोर्शन है उसे स्टिच कर लेना है। मैंने यहाँ से दोनों साइड से इसे स्टिच कर लिया है। और ये हमारा पेपलम टॉप बन के रेडी है, जो धोती के साथ पेयर करके बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो जो धोती का वीडियो है मैं 2 दिन में अपलोड कर दूंगी, बहुत ही इजी मेथड से धोती कैसे बना सकते हैं वो मैं उस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।